बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा आज, अच्छा डेट क्या है सच? एक सेकेंड डेट देख लें, आज क्या है? अच्छा बेसिकली आज 14 है, यानी कि 14 डेट है। हम बात करते हैं क्वेश्चंस, यानी कि जो आपने यानी कि वीडियोस के नीचे यानी कि मेंशन किए हैं यूट्यूब की वीडियोस के नीचे, तो उसके सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? वही यानी कि जो मैं हमेशा बोलता हूँ, जिस जिसका सवाल आता जाएगा हम उसका आंसर देते जाएंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। पहले राफिया बशीर का यानी कि यहाँ पर कॉमेंट है और वीडियो यानी कि काफ़ी ओल्ड है। सबसे पहली आई थिंक यही वीडियो थी इस चैनल के ऊपर, अगर ये जो व्हाट इज़ अमेज़ॉन FBA है ना, ये सबसे पहली वीडियो थी अमेज़ॉन इस चैनल के ऊपर, ये वाली। तो इनका सवाल है, अल्लाह ब्लेस्ड यू बाई या इफ़ यू मोर हेल्प। देखें इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर हेल्प किया करूँगा, कोई इशू नहीं है इसमें। बाकी अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमत करें। ये आपने जो वीडियो देखी ना राफिया, ये बेसिकली पहली वीडियो। आप इसी चैनल के ऊपर जाएं यानी कि प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट का कंप्लीट कोर्स पढ़ा है, यानी कि ये जो मैंने इस वीडियो में बताया ना, इसका कंप्लीट कोर्स है, वो देखें, ठीक है? उसके बाद हमारे पास नीचे यानी कि सवाल है बेसिकली, वो है AK वर्ल्ड का। ब्रो एक बात आपने गलत बताई, उधर ये लिखा हुआ है कि आपके लिए इंडिविजुअल प्रेफरेबल है जब आपके सेल 40 आइटम से कम हो पर मंथ, ये नहीं लिखा कि आप मैक्सिमम 40 आइटम सेल कर सकते हो। काइंडली करेक्ट दिस इंफॉर्मेशन, थैंक्स। अच्छा देखें, आई थिंक गलत यहाँ पे आप हो, आपको इन्फॉर्मेशन यानी कि आपको करेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है? क्यों? क्योंकि वीडियो दोबारा देखें, मैंने ऐसा कुछ बताया ही नहीं इस वीडियो में। मैंने सिंपल बताया कि इंडिविजुअल प्लान जो होता है उसमें आपको पर सेल $0.99 आपको अमेजोन को पे करने पड़ते हैं। दूसरे नंबर पर प्रोफेशनल आपको यानी कि मंथली बेस के ऊपर आप $30.99 पे करने पड़ते हैं, ठीक है? तो करेक्ट आपको होने की ज़रूरत है, गलती किसी में से निकालना बहुत ईजी है। इस वीडियो को देखो, मैंने ये बताते बताते मैं आपको सेल ऑन अमेजोन की ऑप्शन पर ले गया हूँ। वहाँ जाके मैंने आपको बताया कि यानी कि बिगिनर गाइड को ओपन करें और स्टडी करें, क्या दोनों में डिफरेंस है, ये मैंने बोला है, ठीक है? तो स्टडी आपने वहां जाके खुद करना है, ठीक हो गया? तो वीडियो हमेशा फोकस के साथ देखा करें, गलती बड़ी इजी है निकालनी किसी के अंदर से, मुझे अच्छी तरह पता है। तो बाकी करेक्ट आपको होने की जरूरत है, ठीक है? बाकी बहुत शुक्रिया आपने कमेंट यहाँ पे मेंशन किया। अच्छा उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सांवल अली का, यानी कि क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं आई लिसन मैनी ऑफ योर वीडियो And I said all are so awesome information, bro. Thanks, Allah Pak blessed you. चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह पाक आप पर भी अपनी रहमत करे, बेस्ट ऑफ लक। उसके बाद हमारे पास है जकी मुगल, यू आर बेस्ट, अल्लाह ताला आपको बहुत 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 जजा दे, आमीन। अल्लाह पाक आप पर भी अपनी रहमत करे, आमीन। उसके बाद फिर सांवल अली का क्वेश्चन है, द वे ऑफ योर स्कूलिंग इज ऑसम, थैंक यू। फिर उनका ये सामल का ये रियली ब्रदर, अल्लाह पाक ब्लेस यू, आप अपने इलम की जुकात अता कर रहे हो, प्लीज़ थिंक पॉजिटिव लाइक ही डिड। ओके फिर हमारे पास है जकी मुगल, सॉरी आई कॉन्ट फाइंड योर FB ग्रुप बाय दिस नेम, हाउ कैन आई ज्वाइन दिस ग्रुप। अच्छा देखिए, मैंने आपको सर नीचे कमेंट किया है, ई कॉमर्स वर्ल्ड बाई नवाज के नाम से आप सर्च करो तो आपको वहाँ पे ग्रुप मिल जाएगा यूट्यूब फेसबुक के ऊपर। उसके बाद हमारे पास है हम देखेंगे, ये बताया कोई नहीं बताएगा, ये बातें कोई नहीं बताएगा। एग्जैक्टली ब्रदर, आप सच में ही ये बातें कोई नहीं बताता, आप जिस ऑनेस्टी से ये सब बता रहे हैं, अल्लाह आपको इसका अजर दे, आमीन। थैंक यू एंड सो इम्प्रेसिव योर मैथड्स एंड एक्सप्लेनेशंस, इट्स ग्रेट सोर्स ऑफ लर्निंग फॉर बिगिनर। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट ऑफ लक आपको भी, देखें सीखें और अर्न करें, ठीक है? उसके बाद फिर नीचे हमारे पास क्वेश्चन है, बेसिकली ये ऊपर चला गया है भाई, नीचे है, हाँ ये है जकी मुगल, नो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड आफ्टर वॉचिंग योर वीडियो, शेयर व्हाट इज एग्जैक्टली ऑफ ये डू, बिकॉज आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, इवन आई एम ट्रेनिंग सेशन ऑफ VA दिस डे, थैंक यू सो मच। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक है, अगर आपको कोई हेल्प हुई है तो, बाकी सीखें अर्न करें। उसके बाद खान अफरीदी गेमर, नाइस सर, थैंक यू।
उसके बाद ग्रीन न्यूज़ है, सर क्या हाल है, आप व्हाट्सएप ग्रुप कब बना रहे हैं? अच्छा देखिए, व्हाट्सएप के ग्रुप बन चुके हैं, आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें, सबसे ऊपर अनाउंसमेंट के ऊपर व्हाट्सएप का ग्रुप है, मेल का लिंक है। फीमेल जितने भी वो मुझे पर्सनल कॉन्टैक्ट करेंगे उनको मैं फीमेल के यानी कि ग्रुप में ऐड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लिंक अपलोड करूंगा तो वहाँ पर बॉयज़ भी ऐड हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है A1 वीडियो, सर प्लीज़ अमेजोन ट्रॉफी पे डिटेल वीडियो बनाए, थैंक्स। अच्छा देखिए, डिटेल वीडियोस तो मैं बना दूँ, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उसके ऊपर कोर्स कंप्लीट करूँ, उसके ऊपर कोर्स बनेगा, ठीक है, लेकिन मैं उसके ऊपर एक डिटेल इंट्रो वीडियो दे देता हूँ, कोई इशू नहीं है उसमें, यानी कि प्लेलिस्ट में यानी कि ड्रॉप शिपिंग के कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनाता हूँ, उसमें इंट्रो वीडियो दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे मुस्तफ़ा शेख नवाज भाई, इन गंदे अंडों को फेसबुक ग्रुप से भी रिमूव कर दें। कोई बात नहीं है, मोजे मारे, कभी ना कभी तो इनको कल आ जाएगी, कोई बात नहीं है। और उसके बाद हलीमा सादिया, इजी एंड स्मूथ, बेस्ट ऑफ लक कोर्स, ये मैंने आपको यानी कि मेंशन किया नीचे कमेंट में, कंप्लीट कोर्स। आप हलीमा, अगर आपने कंप्लीट कोर्स करना है तो आप सिंपली इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे पड़ा हुआ है अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट का कंप्लीट कोर्स, ठीक है। नीचे मियां वकास नवाज भाई, आई वांट टू गो फॉर MPL इन UAE। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक है, अच्छे से इसको पहले सीखिएगा, उसके बाद यानी कि डिसीजन जो ना वो लेना है आपने, ठीक है। फिर जुबैर अहमद, क्या वर्चुअल असिस्टेंट एंड्रॉयड मोबाइल से वर्क कर सकता है? जी नहीं, वो उसके लिए मोबाइल होना चाहिए, ट्रेनिंग वगैरह आप वीडियो वगैरह आप देख सकते हो, लेकिन काम आपने लैपटॉप के ऊपर करना होता है। फिर उसके बाद हमारे पास यानी कि आपसे मेरी बात हुई है, प्रॉक्सी मार्केटिंग कोर्स करके बाद जी, प्रॉक्सी मार्केटिंग का कोर्स आप यानी कि कर सकते हो जुबैर मोबाइल के ऊपर, यानी कि उसका काम मोबाइल के ऊपर आप कर सकते हो, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम को यूज़ करना होता है, वो कर सकते हो आप। आगे सोनिया नसरुल्ला, वेयर कैन वी गेट दी स्लाइड्स? देखें, स्लाइड्स आपको खुद बनानी पड़ेंगी। उसके बाद हमारे पास यानी कि अस्सलाम वालेकुम सर, सर मेरा क्वेश्चन वाला कमेंट नहीं आया, मैंने बार बार वीडियो रोक रोक कर देखी। अच्छा आप मुझे ये बताएं, हाफिजा बुशरा, मुझे ना अपना क्वेश्चन जो ना व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आई थिंक कोई ऐसा तो नहीं था कि नज़र से इधर उधर हुआ हो, लेकिन कोई बात नहीं है, परेशान आपने नहीं होना, आई एम विद यू टू ऑल ऑफ यू, ओके? तो टेंशन नहीं आपने लेनी, आप मुझे पर्सनल मैसेज सेंड कर दें व्हाट्सएप के ऊपर, अगर आपके पास व्हाट्सएप नंबर है तो मुझे वहाँ कर दें, अगर नहीं है तो आप फेसबुक का जो पेज है ना वहाँ पे इनबॉक्स कर दें, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर दे दूंगा। अच्छा उसके बाद अत्तर बेग, जजाकल्ला, चलें जी बेस्ट ऑफ लक। आगे शमसा, काइंडली शेयर स्लाइड्स इन दिस वीडियो। कौन सी इन वीडियो स्लाइड? अच्छा ये वाली है, नई स्लाइड, स्लाइड्स आपको खुद बनानी पड़ेंगी। आगे मोहम्मद हुरम नवाज भाई, अगर आप टीम बनाएंगे तो वो आपकी ही सिटी से होगी या आपके साथ मिल के किसी भी सिटी से काम कर सकते हैं सकेंगे टीम मेंबर्स? अच्छा देखें खुरम, वो इंशाल्लाह हम प्लान कर लेंगे, कोई बात नहीं है, बस ये चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हो जाए, ये अकाउंट्स वगैरह की, अगर मैं कहीं बैठता हूँ तो फिर मैं उस हिसाब से, देखें मैं टीम्स बनाऊंगा बहुत सोच समझ के बनाऊंगा, क्योंकि मुझे आपको काम देना होगा, ये नहीं कि मैं आपको अपने साथ अटैच कर दूँ, बस ठीक है जी, बस ये अब आप नवाज साहब के साथ अटैच हो गए हो, नहीं ऐसा नहीं है। मैं बेसिकली जो एक लीडर बन के चलूंगा, जो लीड करूंगा लोगों को, ये नहीं कि अपना ही फायदा हमेशा सोचूंगा, नहीं, अगर मैंने ग्रो करना है तो आप भी साथ करोगे, तो इसलिए मैं हर चीज़ को प्लान के साथ करता हूँ, मैं हवाओं में बातें करने वाला नहीं हूँ कि हवाओं में छोड़ दिए बस ठीक है, नहीं, मैं प्लान करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि मैंने ये सोर्स कहाँ कहाँ से जनरेट करने हैं, ठीक है। अगर मैं टीम बनाता हूँ डिफरेंट, डेफिनेटली वो हर सिटी से होंगी, ये नहीं कि एक ही मैं एक जगह से बैठा दूंगा बस ठीक है, नहीं, वो प्लान करके देखेंगे इन फ्यूचर क्या आता है हमारे सामने, अल्लाह पाक बेहतर करे, प्लान तो है काफ़ी, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे हमारे पास, अच्छा नीचे हमारे पास जो क्वेश्चन है, मोहम्मद वसीम, सर मुझे ब्रांड अप्रूवल नहीं मिल रहा है, प्लीज़ हेल्प। अच्छा मेरी बात ये, मुझे पहले तो आप बताओ ब्रांड अप्रूवल के लिए आप उनको क्या सेंड कर रहे हो? वसीम आई थिंक आपसे मेरी बात हुई है कि नदीम से बात हुई थी, आप देखिए FB से रिलेटेड ग्रुप ज्वाइन करें फेसबुक के, जितने आप कर सकते हो वहाँ पे देखें, उनको अपने प्रपोजल दिखाएं, अप्रूवल दिखाएं, यानी कि क्या प्रपोजल आप सेंड करते हो या उनसे मांगे कैसे, किस तरह का यानी कि अप्रूवल ऊपर यानी कि किस तरह का प्रपोजल होता है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। ब्रांड अप्रूवल आपको क्यों नहीं मिल रहा, आपने कितने ब्रांड्स को यानी कि वो जो है ना वो अप्रूवल के लिए यानी कि रिक्वेस्ट की है? देखें बहुत सारे ब्रांड्स नहीं देते, डेफिनेटली कुछ ब्रांड्स देंगे तो कुछ नहीं देंगे, तो ये परेशान होने वाली बात नहीं है, अब किसी और ब्रांड को हंट कर लो, किसी और ब्रांड को सेंड कर लो, ठीक है। मोहम्मद अब्दुल नहीं अब्दुल्ला जुबैर, सर आप इजी मेथड में बताएं ऑनलाइन अर्निंग हो जाएगी स्टार्ट? जी इंशाल्लाह हो जाएगी, देखें
हमेशा चीजों को सीखने के बाद खुद डिसाइड किया करेंगे कि आप इस चीज को कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अर्निंग हमेशा होती है, इसमें कोई शक नहीं है, ऑनलाइन अर्निंग होती है, लेकिन हम पता है क्या है, हमारे अंदर सब्र नहीं है। हम कहते हैं आया काट के खा खू जाओ बस। चीजें जब उस मार्केट के अंदर घुसोगे ना तो पता चलेगा मार्केट कैसी है। पहले सीखो, देन अपने आप से पूछना कि आप क्या काम ये कर सकते हो। इतना मुश्किल नहीं है जितना हम लोगों ने बनाया है। हमारा शुरू करने से पहले हमारे जहन में पता क्या होता है जी, पैसे कितने मिलेंगे। तो यार पहले सीख तो लो अल्लाह के बंदो, जब सीखोगे खुद ही कमा लोगे, ठीक है ना। तो हो जाती है अर्निंग। उसके बाद नीचे हमारे पास है सवा खलील, अस्सलाम वालेकुम सर, ऑनलाइन कोर्स और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है। अच्छा देखें, ये काफ़ी यानी कि मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ पे ऑनलाइन सेशन तो पे होगा ना, वीडियो तो रिकॉर्डेड होंगी। अच्छा देखिए, ऑनलाइन जो वीडियो यानी कि जो ट्रेनिंग होती है उसमें एक यानी कि आपको प्रोटोकॉल दिया जाता है आपकी, यानी कि डेफिनेटली चीज़ें और भी बीच में ऐड हो जाती हैं, आपकी क्लासेज होती हैं, आपके डिफरेंट सवाल होते हैं, आप अपने मर्जी के टॉपिक के ऊपर वीडियोज भी बना सकते हो, बनवा सकते हो, तो ये चीज़ें सारी होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हो करना चाहो तो वो अलग बात है, लेकिन नहीं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से कोर्स करें, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको इंशाल्लाह मिलेगी, कुछ भी यहाँ पे यानी कि हाइड नहीं है। अच्छा तो उसके बाद नीचे हम बात कर रहे थे यहाँ पे हैदर शीमा, माशाल्लाह ग्रेट कोचिंग, चलें बेस्ट ऑफ लक सारा कॉर्नर। देखें आपके काफ़ी क्वेश्चंस हैं तो आपने यानी कि कान खोल के बैठना, ठीक है। अच्छा मुझे ज़रा थोड़ी सी चाय पीने दे, आपने पीनी है। अच्छा देखें, अगर आप लोगों ने चाय पीनी है तो खुद बना के पी लो, ठीक है। वैसे अगर नहीं बनानी आती तो मैं बता देता हूँ कैसे बनती है। थोड़ा सा दूध लें, हल्की सी इसमें पत्ती डाल दें और बाद में गुड़ डाल दें उसमें, आपकी चाय तैयार है। चलें देख लो, हमने आपको चाय बनाना भी सिखा दिया है। अब हम नेक्स्ट करते हैं बात सारा कॉर्नर के यानी कि क्वेश्चन के ऊपर, क्या हम लिस्ट बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी प्लेटफॉर्म में। अच्छा देखिए सारा बेसिकली पता है क्या होता है, लिस्ट आप क्रिएट करते हो सेलर सेंट्रल अकाउंट के ऊपर। अब सेलर सेंट्रल अकाउंट क्या होता है, वो शॉप होती है अमेजोन के ऊपर आपकी, आपके क्लाइंट की होगी अगर आप एज अ वीए काम करते हो। लेकिन प्रैक्टिस आप कर सकते हो, लोग कहते हैं नहीं कर सकते हम लोग, क्यों नहीं कर सकते। आप ऐसा करें, आप वर्ल्ड ओपन करें, माइक्रोसॉफ्ट यानी कि वर्ल्ड जो है ना, वहां पे आप 5 लिस्टों का कंटेंट लिख के वहां पे रख दो, आपकी लिस्ट तैयार है। क्योंकि मेन तो काम लिस्ट के अंदर कंटेंट होता है ना, सैलरी अकाउंट होगा, कंटेंट लिखा होगा, सैलरी अकाउंट में ओपन करोगे सारे वन बाई वन वहां पे अपलोड करते जाओगे, आपकी लिस्ट बन जाएगी। तो आप यानी कि प्रैक्टिस इस तरह से कर सकते हो, मैं एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें आप यानी कि अपना वर्क खुद क्रिएट करोगे, सारी चीजें आप यानी कि सैलरी अकाउंट के बगैर कैसे कर सकते हो। तो 5 यानी कि प्रोडक्ट पकड़ो, 5 कीवर्ड्स पकड़ो, उनके टाइटल, उनके बुलेट्स पॉइंट, उनके डिस्क्रिप्शन, उनके कीवर्ड्स मैनुअली कैसे निकालते हैं वो मैं वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा। और इमेज उसकी निकालो, इमेज का साइज यानी कि 1000 बाई 1000 रख लो या 1500 बाई 1500 रख लो, तो आपकी यानी कि लिस्टें बन गई। जब ये आपके पास मेन काम तो यहाँ पे ये है ना कि कंटेंट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास कंटेंट होगा तो वो आपके लिए मुश्किल ही नहीं है, आप सिंपल सैलरी अकाउंट के ऊपर जाके ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करोगे, वहां पे अपलोड करते जाओगे, सिंपल, ठीक है। नीचे हमारे पास है मुबीन रानी, फॉर दिस लेक्चर, फॉर दिस लेक्चर, अच्छा इसके लिए क्या आपने कहा ना, थैंक्स अ लॉर्ड फॉर सर फॉर दिस लेक्चर, अल्लाह ब्लेस यू, आमीन आमीन, अल्लाह पाक आप पर भी अपनी रहमत करे, आप सबके ऊपर अपनी रहमत करे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास सदाम हुसैन, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन टू यू जी, बिल्कुल आप हजारों का क्वेश्चन करें, एक क्यों करना है आपने, सारा फिर आपका क्वेश्चन है। मैंने असल में आपके कमेंट देखे थे, आपके काफी हैं, तो आप यानी कि कान खोल के सुनो, ठीक है। कंपेटिटर के साथ बैठने के लिए हम उसकी प्रोडक्ट सेल डेली और मंथली देखेंगे, बट जब सोर्सिंग करेंगे तो मंथली करेंगे एंड डेली बेस पे प्रोडक्ट सेल करेंगे। अच्छा देखें, अब बात यहाँ पे क्या है, हम बेसिकली कंपेटिटर को क्यों चूज करते हैं, ताकि हम देख सकें वो कितनी सेल कर रहा है डेली की, मंथली कितनी सेल कर रहा है, और उसमें क्या है कि अब हमने सोर्स कितनी करनी है। तो एक तो यानी कि हमारे जहन में आता है कि हमारा कंपेटिटर मंथली सेल यानी कि 500 कर रहा है, तो हम 500 सोर्स कर लेते हैं 1 महीने की। दूसरे नंबर पर यह है कि वो 2 महीने की हम सोर्स कर लेते हैं, लेकिन हम अपनी मर्जी से सोर्स नहीं कर सकते, हमें अमेजोन रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। अमेजोन कहता है कि आप फर्स्ट टाइम इन्वेंट्री मेरे वेयर हाउस में इतनी भिजवाओगे, वो 500 हो सकती है, वो 300 हो सकती है, वो 600 हो सकती है,
ठीक है, तो वो डिपेंड करता है हर सैलर अकाउंट के ऊपर। आपके जो भी सैलर अकाउंट है वहां पे जाके आप वो चेक कर सकते हो। सैलर अकाउंट में आपने जाना है इन्वेंट्री वाले टैब में, वहां पे नीचे लिखा होता है मैनेज एफबीए इन्वेंट्री। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने बता दिया जाएगा कि आप स्मॉल पीस कितने भिजवा सकते हो और लार्ज यानी कि कितने भिजवा सकते हो वहां पे होता है, तो आप उसके मुताबिक इन्वेंट्री वहां भिजवाते हो। ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन ये होती है कि अगर आप आपके जहन में ये भी सवाल आएगा, डेफिनेटली ये सवाल होता है, लोग पूछते हैं कि सर देखें वहां पे हमारे यानी कि जो कंपेटिटर है वो डे यानी कि मंथली 1000 पीस सेल कर रहा है। ठीक है, आप कह रहे हो कि क्लाइंट यानी कि सैलरी अकाउंट लिमिट लगा है, सैलरी अकाउंट 500 कह सकता है या अमेजोन आपको 500 कह सकता है या 600 कह सकता है, अब हम क्या करेंगे? तो भाई इसका जो बेस्ट आंसर होता है ना, अगर हमने वो 1000 पीस सेल कर रहा है तो हम दो यानी कि 2 महीने की इन्वेंट्री वहां भिजवाएंगे और वहां पे एक वेयर हाउस हम यानी कि रखेंगे जो कि पाकिस्तानी लोगों ने रखे होते हैं जो कि रेंट के ऊपर देते हैं, आप उनके पास यानी कि इन्वेंट्री अपनी रख सकते हो। देखिए अगर ऐसे ही करना है तो आप उनके पास इन्वेंट्री रख सकते हो, वहां से आप 1000 पीस भिजवा दोगे, जैसे ही वो आपकी इन्वेंट्री कम होती जाएगी आप बाकी जो 1000 वहां रखवाया वहां पर भिजवा दोगे। नेक्स्ट टाइम आस्ता आस्ता अमेजोन आपकी इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देगा उसकी लिमिट, तो फिर आप यानी कि चाइना से डायरेक्ट अमेजोन के वेयरहाउस भी भिजवा सकते हो, तो ये भी ऑप्शन है आपके पास। तो नीचे आपने यानी कि वही सवाल आपका आंसर मिल गया आपके सवाल का कि मंथली करेंगे या डेली बेसिस पे प्रोडक्ट सेल करेंगे। डेली बेसिस पे देखें वो तो चीज़ है, डेली पे कितनी हो रही है मंथली, आप उसको ऑटोमेटिकली उसको यानी कि मल्टीप्लाई कर लोगे डेली को मंथ के साथ, वो ऑटोमेटिकली मंथली आ जाएगी कितनी है। ठीक है, अच्छा सर आपका फिर क्वेश्चन आ गया, सोर्सिंग हम अलीबाबा से डेली बेस पे करते हैं या मंथली? देखें सोर्सिंग मंथली डेली नहीं होती, हमने इन्वेंट्री भिजवानी होती है, जितने दिनों में वो सेल होगी उसके बाद हम सोर्स कर देंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे वही मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि 1000 पीस सेल हो रहा है एक महीने का, आप तो आप 2 की भिजवाना चाहेंगे तो 2 की भिजवा दें, उसके बाद आप यानी कि क्या करोगे कि कितना टाइम लगता है नेक्स्ट एक बार आपने इन्वेंट्री मंगवानी है तो आपने वो 2000 खत्म होने से पहले पहले इन्वेंट्री का ऑर्डर देना है और उससे खत्म होने से पहले पहले आपने वहाँ पे शिप करवानी है ताकि आप आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाओ। तो वो डेली बेस पे नहीं होता, आप यानी कि अच्छी खासी वहां पे को यानी कि इन्वेंट्री उठाते हो उनसे, ठीक है, जितनी आपकी वहां पे यानी कि लिमिट होती है। उसके बाद फिर यानी कि विकी मोगल का यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन है, सर आप प्लीज रिलैक्स हो जाए हम आपके साथ। अच्छा मैंने आपका ये कमेंट देखा था, और अपनी हर वीडियो में मोटिवेशन करते रहे, शुक्रिया। देखें मोटिवेट तो बहुत करूंगा मैं आपको, आप यानी कि देखें फायदा उठाने वाले बने, आप बिलीव करो हमें कोई गार्ड नहीं करता था, तो मैं इंशाल्लाह आप सबको इंशाल्लाह अगर मेरे खुदा ने चाहा तो उसने ज़िंदगी मुझे दे, अल्लाह पाक मुझे ज़िंदगी दे आपको दे, इंशाल्लाह जो है ना वो बहुत आगे जाएंगे हम लोग। ठीक है, बहुत आगे, अगर मैं जाऊँगा तो आप भी डेफिनेटली जाओगे मेरे साथ। उसके बाद नीचे बिलाल खान, इनका यानी कि यहाँ पे कि यह ज्वाइन ही नहीं हो रहा, क्या ज्वाइन नहीं हो रहा? अच्छा ग्रुप है, लिंक नॉट वर्किंग। अच्छा आप ऐसे करें बिलाल, आप फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करें, वहां पे अनाउंसमेंट के ऊपर लिंक यानी कि मेंशन है, वो ज्वाइन कर लें, हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, मैंने खुद यानी कि ट्राई किया, हो जाता है। अब आपकी तरफ से नहीं हो रहा, मे भी कोई ना कोई मसला आ गया और बीच में, कोई बात नहीं है। नवाज भाई लिंक वर्क नहीं कर रहा मेल ग्रुप वाला, कैन यू प्लीज रीचेक? चले मैं, अच्छा आपकी भी कंप्लेन है, चले खुरा मैं इसको रीचेक करता हूँ, कोई इशू नहीं है, मैं रीचेक करके यहाँ पे दोबारा अपलोड कर देता हूँ। अगर नहीं तो बाकी आप फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करें, वहां से यानी कि कर लें इस चीज को। नीचे हमारे पास खलील खान का क्वेश्चन है, सर आपने कहा कि किसी भी प्रोडक्ट लिस्ट पे कैंपेन चलाए लें अच्छा यहाँ तक भी, जबकि हमारी प्रोडक्ट एक ही है। अच्छा देखें इसका आंसर पता है क्या है, मैंने ये कहा था कि अगर आपके क्लाइंट की लिस्टें 10 होंगी, अगर वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, जरूरी नहीं कि आपने एक ही प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, 2-2 सौ 2000 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार वाली लिस्टें आपको मिलती है, आपके क्लाइंट 5-5 हज़ार प्रोडक्ट सेल करता है, आपको ऐसे क्लाइंट भी मिलेंगे अगर आप इस फील्ड में एंड तक जाते हो तो। मैंने यहाँ पे आपको ये बताया था कि वो जहाँ पे आपने लिस्ट को सिलेक्ट करना है ना कंपेन के लिए, मैंने वहां पे बताया था कि अगर इनमें से कोई भी आपकी है या आप इकट्ठी सबके ऊपर चलाना चाहो तो वो ऑप्शन मैंने दी थी, आप एक लॉन्च करो आप उस एक के ऊपर चलाओ, इसमें कोई फर्क नहीं है। आई एम नॉट अंडरस्टैंड ऑफ दिस, आपको पॉइंट मिल गया। बजट क्या है? 0.8 आपने बताया नहीं, प्लीज टेल मी एंड डेल। देखिए बजट आपने डिसाइड करना होता है कि आप कितने बजट के अंदर, आप कितने बजट के अंदर उस कंपेन को लॉन्च करना चाह रहे हो, आप कितना अमेजोन को देना चाह रहे हो, ये बजट है 15, 20, 25, 30, 50, आप पे डिपेंड करता है, आपकी यानी कि वो जेब के ऊपर डिपेंड करता है कि आप यानी कि अमेजोन के यानी कि अपनी कंपेन के लिए कितना यानी कि यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शन है, दोबारा वीडियो को गौर से देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अच्छा उसके बाद ई कॉम इजी, यू आर राइट सर, चलें बहुत शुक्रिया आपका। ये कौन सी वीडियो है,
व्हाट प्रोडक्ट वी सेल ऑन अमेजोन? अच्छा वो, हाँ यार ये आप कह रहे थे, कुछ ने कहा कि आशा आपने शायद इसमें कहा था कि गुस्सा कर रहे हो आप सर, गुस्से की बात नहीं थी, मैं बड़े प्यार में प्यार से कह रहा था कि यार देखें आप, एक आपका क्लाइंट 20 लाख लगा रहा है, अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो तो 20 लाख तो लगेगा ही प्राइवेट लेबल में, तो आप ऐसी वैसी कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर नहीं सेल करोगे, आप वही सेल करोगे जो वहाँ बिक्री है, पूरी रिसर्च के साथ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसको सेल करोगे, ठीक है? तो कोई भी आप इसको आइडिया नहीं, अगर मैं खुद रिसर्च करने बैठूँ तो मुझे खुद टाइम लगता है, मैं चीज़ों को सारों को देखना, भाई अभी तो ये नहीं कि मैं फ़ौरन देख के बता देता हूँ जी इसके रिव्यू क्या है ये वो सारा कुछ, लेकिन एक टाइम मुझे स्टार्टिंग के ऊपर अच्छा खासा लगता था, अभी भी मुझे लगता है, क्योंकि मैं हमेशा डिसीजन जो ना वो सोचता हूँ थोड़ा सा फिर मैं डिसीजन करता हूँ, इतना भी नहीं सोचता कि मैं उस फैसले को ही कमज़ोर कर दूँ, क्योंकि सोच हमेशा फैसले को कमज़ोर करती है, ठीक है ना? तो हल्का सा सोचो इस चीज़ के बारे में, अगर तो परफेक्ट लग रहा है तो डेफिनेटली आप गा जा सकते हो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैं जो एक अरसा हो गया काम करते हुए, आप जो है ना बिल्कुल न्यू हो, तो इसीलिए हमेशा इस पॉइंट के ऊपर जो प्रोडक्ट रिसर्च वाला पॉइंट है ना सीरियस होना है आपने, ठीक है? अच्छा नीचे फिर एक सारा का आपका क्वेश्चन है, अच्छा ये ऊपर थैंक यू किसने कहा है, अब नाम तो नहीं है, खैर सारा सर 17-8 पे आपने बताया है कि सारा कुछ आपके क्लाइंट करेगा, अगर ये सब वो करेगा तो टॉप 5 चेक करेंगे और बाकी स्टेप भी तो हम क्या करेंगे? अच्छा सर मैंने शायद बताया होगा कि जहां पेमेंट यानी कि लगनी होगी वो आपका क्लाइंट पे करेगा, सारा कुछ वो करेगा, बाकी हर चीज आपने करनी है, जहां जहां पेमेंट लगनी है उसके अलावा क्लाइंट क्या करता है, ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करता है क्लाइंट खुद से, अगर वो आपको कहे तो आप भी अप्लाई कर सकते हो सिंपल, ब्रांड रजिस्ट्री के लिए आप खुद यानी कि करते हो, उसके अलावा मैंने ये नहीं बताया आपको, आप दोबारा इस वीडियो को देखें, क्लाइंट यानी कि सब कुछ वो करेगा जहां पे पेमेंट लगनी होगी, बाकी एज अ वीए आप ऑर्डर रिसर्च करते हो, सोर्स करते हो, उसके बाद लिस्ट बनाते हो, उसको लॉन्च करते हो, उसकी पीपीसी रन करते हो, ऑप्टिमाइज करते हो, उसके अलावा ऑर्डर मैनेजमेंट करते हो, आप अमेजोन के साथ केस ओपन करते हो, रिपोर्ट जनरेट करते हो, ईच एंड एवरीथिंग आप करोगे, ठीक है ना? आप इस वीडियो को दोबारा देखें। अच्छा सर आप देखें थोड़ा सा वेट कर लिया करें, यहाँ पे आंसर सबको मिलेंगे, आपने नीचे प्लीज़ कोई मुझे बताए इस रिक्वेस्ट, आप रिक्वेस्ट ना किया करें बस कमेंट कर दिया करें, इंशाल्लाह जैसे ही वीडियो बनेगी आपको यानी कि उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है? मैंने आपको कहा भी है नीचे कि आपकी यानी कि इसके ऊपर वीडियो बन जाएगी, सो मच, असल में ये ढूंढने वाला काम सब वर्चुअल असिस्टेंट ही करेगा ना, बिल्कुल जी वर्चुअल असिस्टेंट सारा कुछ ही करेगा आगे, जेस्ट यानी कि नाइस सर थैंक यू। उसके बाद आयशा मेहर, सर आप गुस्सा गुस्से में हो? नहीं आयशा मैं बिल्कुल भी गुस्से में नहीं हूँ, ठीक है ना? उसके बाद सीखो दोस्तों, ग्रेट सर जी, बेस्ट ऑफ लक। आगे अली हैदर, सर जब हम सोर्सिंग करके सप्लायर से ऑर्डर डन करते हैं उसके बाद लिस्ट क्रिएट करते हैं और अमेजोन नहीं वो प्रोडक्ट अप्रूवल नहीं की तो क्या करेंगे? यार आप अल्लाह के बंदो, मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ ना आप सारी देखा करो, हर वीडियो में इतनी इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि यार आपको इतना बेनिफिट होगा, मैंने ऑर्डर प्लेसमेंट की एक वीडियो यानी कि बनाई है वो देखें, मैंने आपको नीचे उसका लिंक भी सेंड किया है, आप अली अदर वो देखें ज़रा, तो इसीलिए रिक्वेस्ट है कोई वीडियो मिस ना किया करें, आप वो जो घंटी के ना वो घंटी घंटी बेल आइकॉन उसको प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, हर चीज़ को मैं इंशाल्लाह जो भी मैं बनाऊँ उसको फोकस यानी कि पूरी तवज्जो से सुना करें, बड़ी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंशाल्लाह होगी, तो मैंने स्पेशल इसके ऊपर वीडियो बनाई है, मैंने उसके अंदर भी इस चीज़ को बारे में बताया, अगर कोई समझ के उसके कोर्स को ही कर ले उसको पता चल जाएगा कि बेसिकली हम ऑर्डर प्लेसमेंट कब करते हैं, हम लिस्ट कब बनाते हैं, ये सारा कुछ उसी में एक्सप्लेन है, आप दोबारा देखें आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर नवाज, जो क्लाइंट रिव्यू 1000 2000 से ऊपर हैं फिर भी स्पॉन्सर हैं बैठे हैं, देखें वो अपनी और यानी कि अपने आप को ऑर्गेनिक पोजीशन के ऊपर बैठाने के लिए सब कुछ करते हैं, ठीक है? ऑर्गेनिक पोजिशन वो होती है कि एक वक्त में कोई कंपेन की जरूरत नहीं पड़ती, विदाउट कंपेन, अगर आप नोट करो ना जैसे आप लिखते हो साल्ट लैम्प या यानी कि लिखते हो जेडी रोलर तो ऊपर स्पॉन्सर आएंगे, और जब चार स्पॉन्सर के बाद नीचे विदाउट स्पॉन्सर बैठा होगा वो होता है ऑर्गेनिक पोजीशन, तो वो हासिल करने के लिए लोग यानी कि ये काम करते हैं, मोर ऑर्डर जितने और ज्यादा ऑर्डर आएंगे आस्ता आस्ता वो ऑर्गेनिक रैंकिंग पे आगे बैठ जाएगा, तो वो यानी कि उसको कल को फिर कंपेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे सर प्लीज अमेजोन ड्रॉप शिपिंग पे कंप्लीट वीडियो बना दे, थैंक यू। अच्छा मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह कोर्स बना दूंगा, ठीक है? निश्चय मोहम्मद मलिक सर बहुत शुक्रिया, आप बहुत बिजी होते हैं फिर भी आप टाइम निकालते हो हमारे लिए, शुक्रिया सर।
चलें, शुक्रिया की बात नहीं, आप फायदा उठाएं। आई थिंक आपने मुझे बताया था कि आप शायद फाइबर के ऊपर आपने अर्निंग भी की है। आई थिंक आपने बताया था या मुझे किसी और ने बताया था। तो चले, कोई इशू नहीं है, बाकी कोई मसला नहीं है, मैं इंशाल्लाह निकाल लिया करूँगा टाइम, कोई मसला नहीं है। बस कभी नहीं भी निकल पाता तो कोई नहीं, आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह आपको साथ लेके चलूंगा। विकी मुगल नवाज भाई, वन क्वेश्चन है, क्या हम प्रैक्टिस के लिए अमेजोन सैलरी अकाउंट बना सकते हैं? जी बिल्कुल, आप बना सकते हो, आप पाकिस्तानी डेल के ऊपर प्रैक्टिस अकाउंट बना सकते हो, पाकिस्तानी यानी कि सैलरी अकाउंट बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके लिए डेरो वीडियो यूट्यूब के ऊपर पड़ी है, आप देख ले अकाउंट कैसे बनाता है, मैं भी इंशाल्लाह बना दूंगा उसके ऊपर वीडियो। नीचे हमारे पास फिर विकी मुगल, थैंक यू सर, मोर इन्फॉर्मेशन यू वेलकम। कदीर सर, लोग कहते हैं पाकिस्तान में सैलरी अकाउंट बनाते हैं तो 7,000 वो खाट लेते हैं सर। अच्छा देखिए, इंडिविजुअल बनाएं, इंडिविजुअल के ऊपर, यानी कि आपको वो नहीं काटेंगे पैसे। बाकी ये कि मैं सैलरी अकाउंट बनाऊंगा, वो देख लीजिएगा, मैं बता दूंगा कितने काटे हैं कितने नहीं काटे उसने, ठीक है। तो उसके बाद ये है कि आप कदीर, आप वीडियोज़ देख के सैलरी अकाउंट बनाएं, नहीं काटेंगे पैसे वो आपके। बाकी मैं वीडियो बनाता हूँ, एक दो दिन तक मैं बता दूंगा आपको कहाँ पे काटते हैं क्या नहीं काटते, ठीक है। और उसके बाद फिजा इरफान, वेरी वेल एक्सप्लेन यूर कॉन्टैक्ट। अच्छा कॉन्टैक्ट, अगर आपको यानी कि फिजा आपको चाहिए तो आप बेसिकली इसी वीडियो के ऊपर होगा कॉन्टैक्ट, जो ना इसी वीडियो के ऊपर होगा जो इसके ऊपर आपने कमेंट यानी कि मैंशन किया है। साद अजहर, सर आई ज्वाइन अमेजोन लेक्चर। अच्छा मुझे आप बताएं, ऑनलाइन की ऑफलाइन? ऑनलाइन मतलब के ट्रेनिंग की, ऑफलाइन मतलब यूट्यूब के ऊपर वीडियोस। तो ये जो वीडियोस आप देख रहे हो, पार्ट वन लेक्चर वन पार्ट टू है, तो ये कोर्स ही है, आप देख ले। अगर आपने ज्वाइन ऑनलाइन करना है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। खलील खान, खलील आपके भी क्वेश्चन यानी कि कुछ डमी लिस्टों के हवाले से थे, तो आप यानी कि सही से वीडियोस नहीं देखी इसलिए आपको ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। सर डमी लिस्ट बनाना लाजमी होता है, देखिए डमी लिस्ट बनाना लाजमी है, आप ऑर्डर प्लेस करने से पहले लिस्ट बनाते हो, और डमी लिस्ट आपकी रियल होती है। बस उसमें क्या होता है, उसको डमी क्यों कहते हैं, क्योंकि आप उसमें इंफॉर्मेशन नहीं डालते कंप्लीट, आप हल्की फुल्की डाल के एक इमेज डालते हो, एक बुलेट पॉइंट डालते हो और ओके कर देते हो बस। बाद में जब उसको यानी कि आपकी प्रोडक्ट अंडर मैन्युफैक्चरिंग फेस में होती है, फिर उसको आप ऑप्टिमाइज कर देते हो बस। अब क्यों ऑर्डर प्लेसमेंट से पहले ये करनी है, ताकि उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन हो या कोई कैटेगरी में कोई पंगा ना हो, तो ये ना हो कि हम ऑर्डर प्लेस कर दें, पेमेंट दे दें, सारा कुछ कर दें, बाद में हम आके बनाए तो बने ही ना, तो फिर हमारी पेमेंट कहाँ गई, हमें कौन रिटर्न करने वाला, कोई रिटर्न नहीं करेगा हमें, ठीक है। सर आपका फिर अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये पूछना है कि ये कोर्स करने के बाद, जी बिल्कुल, ये कोर्स करने के बाद आपको इस कोर्स को कहीं से करने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा आप जो मर्जी कोर्स करो, ले ये जो वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स है, ये बेसिकली आपको कहीं ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी यानी कि इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, आप ये भी चेक कर सकते हो जाके, ठीक है। तो आप इस चीज़ की टेंशन ना लें, वर्चुअल असिस्टेंट की यानी कि यहाँ पे कंप्लीट टोटली गारंटी है, आप इसके अलावा कोर्स कोई भी कहीं से भी कर सकते हो, मतलब कि जो भी कोर्स आप इस चैनल से करोगे उसको आपको कहीं से भी करने की जरूरत नहीं है सारा। अच्छा आशा ने इनको सवाल देने के जवाब दिया हुआ है, गुड आशा। अच्छा मुस्तफा शेख नवाज भाई, या ब्रो इम्प्रेसिव भाई, मैं तो भाई इम्प्रेसिव हो गया हूँ आपकी इस कमेंट से। वही ना, आप कभी इम्प्रेसिव 106, 102, 100, 1000, 302, 402, क्या बात है आपकी। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद कुरम नवाज भाई, इंडिविजुअल प्लान से प्रोफेशनल प्लान पे अपग्रेड होने में कितने दिन लगते हैं रिक्वेस्ट डालने के बाद? और फौरन कर लो, आप कोई इशू नहीं है इसमें। देखें अपग्रेड डाउनग्रेड की ऑप्शन होती है, मैंने जो वीडियो बनाई है ना उसमें यानी कि आप एक वीडियो देखें, आप कौन सी देखनी है, आपने गौर से मेरी बात सुननी है आपने, खुरम आपको मैं कह रहा हूँ, जब प्लेलिस्ट आप स्टार्ट करोगे ना, उसमें जो सैलर सेंट्रल ओवरव्यू है ना, सैलर सेंट्रल ओवरव्यू के ऊपर जो वीडियो है, मतलब कि पहले लेक्चर स्टार्ट होने से पहले जो 7-8 वीडियो है, शायद आई थिंक 9 वीडियो है, उनमें से एक वीडियो है सैलर ओवरव्यू के ऊपर, आप उस सैलर ओवरव्यू के वीडियो को अच्छे से देखें। उसमें मैंने सेटिंग में जाके, जब मैं उसकी सेटिंग ओपन करता हूँ वहां पर मैं बताता हूँ, बताया मैंने कि डाउन ग्रेड से अपग्रेड के ऊपर कैसे करते हो और अपग्रेड से डाउन ग्रेड के ऊपर कैसे करते हो, ठीक है। उसके बाद कश्मीर बॉर्डर, शुक्रिया सर, बेस्ट ऑफ लक, पाकिस्तान जिंदाबाद सर। जिनो जिनो जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है वो क्या ज्वाइन करें या नहीं? अच्छा देखें, आप ऐसा करें, आप कुछ देर ना
थोड़ा सा कोर्स कर ले, उसके बाद ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है। अच्छा देखिए, मैं कुछ ना हल्के पुल के साथ कमेंट भी दे देता हूँ अगर मेरा टाइम लगे ना नीचे। नवाज भाई, ये मोटिवेशनल वीडियो थी, मोर वीडियोस इंशाल्लाह मैं ज़रूर अपलोड करूँगा मुस्तफा। नवाज भाई, हम आपके साथ हैं, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद वसीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। एंड सर, बिट अप डॉन और डॉन ओनली का क्या मतलब है? देखिए वहाँ लिखा हुआ है, मैंने बताया है, दोबारा देखो इस चीज़ को। और अगर अमेजोन हैंड होम बिड चेंज जो बता रहा है वही रखें या कम रखें, ये ज़्यादा रखें? देखें, बिड बेसिकली क्या होती है? बिड, अच्छा देखें, बिड आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो जो अमेजोन बता रहा है वो रखनी है तो रख लें, वो उसमें क्या होगा कि आपकी प्रोडक्ट जगह जगह पे ज़्यादा शो होगी। लेकिन एक सुजेस्टेड बिड भी अमेजोन देता है, बट देखें कीवर्ड्स की कीमत होती है, और उसके साथ अमेजोन सुजेस्टेड बिड भी देता है। आप वो सुजेस्टेड बिड लगा सकते हो एक कीवर्ड की, अगर कीवर्ड की कीमत 4 दरम है या 4 डॉलर है या 2 डॉलर है, ठीक है, जितना सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगा कीवर्ड्स का उतनी यानी कि उसकी ज़्यादा कीमत होगी। तो ये आप सुजेस्टेड यूज़ कर सकते हो अगर चाहो तो, डिफ़ॉल्ट बिड यानी कि। अच्छा उसके बाद, अस्सलाम वालेकुम सर जी, हम पीपीसी चलाते हैं तो क्या एक ही लिस्ट पे ऑटो और मैनुअल पीपीसी चलाते हैं? जी बिल्कुल, एक ही ऊपर ही चलानी है आपने। पहले आप ऑटो चलाते हो, फिर आप ऑटो को स्विच करके मैनुअल चला देते हो। आप कहोगे सर ऑटो कितनी देर चलाते हैं? सर ऑटो आप 3-4 दिन तक चला सकते हैं, इवन के लोग वीक भी चलाते हैं। देखते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स के ऊपर रैंकिंग यानी कि सेल आना आ रही है, फिर आप ऑटो में से कीवर्ड्स निकालते हो, उनकी रिपोर्ट जनरेट करके वो आप मैनुअल में डालते हो। मैनुअल में उसके अलावा आप यानी कि कीवर्ड्स निकालते हो हीलियम से निकालते हो, आप मैनुअल से यानी कि मैनुअली कीवर्ड्स में भी निकाल सकते हो। वो तमाम कीवर्ड जिनके ऊपर अमेजोन चॉइस है वो आप यानी कि अपनी कंपेन में डालते हो। यूई मार्केट कैसी है? देखें यूई मार्केट बेसिकली छोटी यानी कि ठीक है, माइक्रो मार्केट है, छोटी मार्केट है। तो यहाँ पे आप इसके बारे में यानी कि कोर्स पढ़ा हुआ है इस चैनल के ऊपर, आप वो देखें, मैं आपको बता दूंगा, वो कोर्स में आपको पता चल जाएगा कैसी मार्केट है। सर रियली यू आर नॉट ओनली अ मेंटोर बट यू आर ऑल्सो अ मोटिवेशनल स्पीकर, रियली थैंक यू सो मच शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है, क्लाइंट कैसे सर्च करना है? देखें क्लाइंट कैसे सर्च करना है, आप आखिरली वीडियो पे पहुँच गए हो आई थिंक। कौन सी ये वीडियो है? हाउ टू स्टार्ट वर्क ऑन अमेजोन एज अ वीए वर्चुअल असिस्टेंट। अच्छा देखिए, आप बेसिकली अहमद, आप ऐसा करें, वर्चुअल असिस्टेंट की जो सीरीज़ है ना उसके नीचे यानी कि एक वीडियो है फ्रीलांसर यानी कि फाइवर की और फेसबुक के ऊपर, और बाकी यानी कि क्लाइंट से इंटरव्यू कैसे होता है, फिर आप बेसिकली प्रैक्टिस कैसे करनी है आपने, ये सारा कुछ, क्लाइंट कहाँ से है, कैसे हंट करती हो, वहाँ पर यानी कि मैंने बताया हुआ है। काम का एक्सपीरियंस कैसे लें, वो विल टीच हाउ टू डील विद क्वेरीज। देखिए बात पता है क्या है, कोर्स आप अच्छे से कर लो, आपके हर क्वेरी का यानी कि आप आंसर दे सकते हो। बाकी बेटा क्या है, जो प्रीवियस वर्क होता है ना मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। देखिए मैं वीडियो हमेशा यानी कि मैं नहीं चाहता मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, पूरी एक प्रॉपर स्लाइड्स बनाता हूँ उसके बाद यानी कि आपको बताता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ, कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी जब यानी कि ऐसी लफ्ज़ निकल आए मेरी ज़बान से जो बेसिकली गलत हो, ठीक है, मतलब कि वो गलत हो। अब भी है कि मैं जल्दी जल्दी में क्या करूंगा कि मैं उसकी स्लाइड के बगैर ही आपको बता दूंगा जी ये कर लो बस, ठीक है, आप हैंड ऑन एक्सपीरियंस ले लोगे। नहीं, मैं उसको एक प्रॉपर वे में आपके साथ यानी कि कन्वे करूंगा ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओ बेहतर तरीके से। तो इंशाल्लाह वो वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है, नीचे मैंने लिखा भी हुआ है, आपको इस पर वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, इंशाल्लाह मिल जाएगी, अगर मैंने कहा तो ज़रूर मिलेगी। नीचे अहमद, फिर आपका आई थिंक ऊपर भी आपके, आई वॉन्ट टू बी वर्चुअल असिस्टेंट। तो आप वर्चुअल असिस्टेंट, देखिए आपने कोर्स नहीं किया और आप ऊपर कह रहे हो क्लाइंट कैसे हैंड करते हैं, पहले कोर्स करते हैं उसके बाद डिसाइड किया। देखें बात सुने, हमेशा चीज़ों को पहले सीखा जाता है उसके बाद सवाल किया जाता है कि मैं इसको कैसे हल करूं या मैं इससे कैसे हल नहीं करूं। तो आप पहले हमेशा चीज़ों को सीखा करें, ये ना जहन में लेके आया करें कि पैसे कैसे कमाने हैं, उस कोर्स को सीखो, आप खुद ही पता चल जाएगा आपको पैसे कैसे कमाने हैं। तो आप यानी कि वही काम करो, आप बेसिकली वही काम करो, आप वर्चुअल असिस्टेंट का जो लेक्चर है ना, जो सीरीज है ना उसको देखो, उसमें आपको यानी कि पूरा कोर्स है कंप्लीट, उसी में आपके हर सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे यानी कि पढ़ा हुआ है। विकी मुगल, अल्लाह पाक हर काम में कामयाब करे, आमीन, आपको भी अल्लाह पाक कामयाब करे सबको। माशाल्लाह सर आपकी मोटिवेशन सुर का मुर्दा जी फिर से जिंदा हो जाता है। सर आप अपनी लाइफ पे भी वीडियो बनाएं। अच्छा मुर्दा भी जिंदा हो जाता है, यार अब आप तो बहुत दूर ले गए हो चीज़ को। देखिए चलें कोई बात नहीं, मैं अपनी लाइफ पे यानी कि वीडियो बना दूंगा, कोई इशू नहीं है इसमें।
यार वो तो मिल जाएगी आपको वीडियो, यानी कि आप काफी लोग कह रहे हो मैं एक बना दूंगा, इतनी डिटेल में तो खैर नहीं बना पाऊंगा क्योंकि डिटेल बहुत लंबी है, वो तो जितनी बनाऊँ उतनी कम है वीडियोस, लेकिन फिर भी मैं हल्की फुल्की आपको यानी कि नॉलेज दे दूंगा मैं, यानी कि कैसे स्टार्ट किया, क्या क्या कर रहा हूँ, ये सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे निजा, मैंने कोई कोर्स नहीं किया है, आई एम ग्रेजुएट, आई लिव इन सऊदी अरेबिया, क्या मैं ऐड हो सकता हूँ? देखिए आप कोर्स कर लेना, कोई इशू नहीं, इसी चैनल के ऊपर बड़ा है, मैंने लिखा भी है, मैंने कहा आप कोर्स कर लें थोड़ा सा, उसके बाद ऐड हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि कोर्स के अंदर बेसिकली जो ग्रुप है ना, इनके अंदर टास्क मैं परफॉर्म करवा रहा हूँ, टास्क के अलावा वहाँ पे कोई बात नहीं होती, ना ही मैं किसी को उसके अलावा रिप्लाई करता हूँ, तो सिर्फ टास्क मैंने देने होते हैं। तो आप अगर न्यू है तो आप टास्क कैसे चेज करोगे वहाँ पे, आप टास्क कैसे कंप्लीट करोगे, कैसे समझ आएगी कि मैं क्या टास्क दे रहा हूँ? इसलिए आप सारे कोर्स को देखें, उसके बाद यानी कि मुझे बता दीजिएगा, आप ऐड हो जाइएगा, कोई इशू नहीं है। अमीर हमजा, नवाज भाई थैंक्स अ लॉट फॉर क्लियरिंग ऑल द कंसेप्ट इन डिटेल, जजाकअल्लाह। जी बेस्ट ऑफ लक, बहुत शुक्रिया आपका। सर प्रोडक्ट रीस्टॉकिंग पर वीडियो बना दे, इंशाल्लाह मैं बना दूंगा आपके लिए, ठीक है कामरान, इंशाल्लाह मैं बना दूंगा आपके लिए वीडियो। उसके बाद अगर हम बात करें, अच्छा उसके बाद हमारे पास है खलील सर, सप्लायर का 50% एजेंट का हवाले करने के बाद पे करेंगे, सप्लायर को 50% एजेंट के हवाले करने के बाद पे करेंगे, अब कहां से ये क्या कर रहे हो, इस चीज को अच्छे से देखो, क्योंकि हम अगर 100% पे कर दें तब तो हमें इनवाइस मिल सकती है, क्या बात कर रहे हो फ्रेट फॉरवर्ड? जी मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता, मिल जाती है इनवाइस, ये दे देते हैं, मैं समझ गया आप फ्रेट फॉरवर्ड की बात कर रहे हो, मुझे लगा आप सप्लायर की बात कर रहे हो, फ्रेट फॉरवर्ड 100% हमसे अप फ्रंट लेता है, फ्रेट फॉरवर्ड 100% हमसे पहले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर तो आप अपने सप्लायर के थ्रू यानी कि प्रोडक्ट को यानी कि शिप करवा रहे हो, या सप्लायर का एजेंट यूज़ कर रहे हो, सप्लायर का फ्रेट फॉरवर्ड यूज़ कर रहे हो, तो फिर आप सप्लायर को 30% इनिशियल पेमेंट ही दोगे, क्योंकि वो फ्रेट फॉरवर्ड की कॉस्ट आपकी टोटल यानी कि कॉस्ट में डाल देगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट में डाल के यानी कि आपसे 30% ले लेगा। लेकिन अगर आप उससे अलग यानी कि आप अलग से फ्रेट फॉरवर्ड को ढूंढते हो तो वो 100% आपसे लेगा और इनवाइस दे देते हैं। अक्सर हमारी प्रोडक्ट अमेजोन के रास्ते में होती है और सप्लायर तकरीबन क्या करता है, वो उसको 20-25 दिन हो गए होते हैं, वो शिप करवा दिया होता है, उसके बाद जाके महीने बाद हमें इनवाइस सेंड कर देता है, कोई इशू नहीं, इनवाइस ही दे देते हैं। इनवाइसों का क्या मतलब है, इनको इन्होंने क्या करना है, सिंपल बिल है वो दे देंगे आपको, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा उसके बाद नीचे ये भी आपका क्वेश्चन है, सप्लायर फ्रेट फॉरवर्ड से हम कब इनवाइस प्रोवाइड करते हैं? जब आप देखें, जब वो काम कर देंगे, जब वो अपनी प्रोडक्ट को शिप कर देता है सप्लायर, फॉर एग्जांपल वो कहता है जी मैंने प्रोडक्ट आपके रेडी कर दिया, अब वहां से अगर आप फ्रेट फॉरवर्ड के हवाले करवाते हो तो उसमें क्या होगा कि वो आपको इनवाइस उससे मांग सकते हो, कोई इशू नहीं है, और सब इनवाइस आप जैसे फ्रेट फॉरवर्ड आपकी यानी कि प्रोडक्ट को शिप करवाता है आप उससे इनवाइस मंगवा लो। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होती है अली हैदर सर, अगर हम VVRO एंड डिस्काउंट ऑफर साथ में चलाएं और प्राइस जस्ट अ प्रोडक्ट की कॉस्ट हो वो रखेंगे तो VVRO वाले बजट रिटर्न होगा, लेकिन जो डिस्काउंट ऑफर चलाएंगी उसमें तो प्रोडक्ट कॉस्ट से भी कम प्राइस सेल होगी तो ऑफ कोर्स नुकसान होगा, काइंडली एक्सप्लेन इट। अच्छा देखें, आप गिव अवेज दो ना तब आप डिस्काउंट ऑफर ना चलाओ, ठीक है आप डिस्काउंट ऑफर ना चलाओ, आप गिव अवेज कुछ दिन दे दो, उसके बाद आप डिस्काउंट ऑफर के ऊपर आ जाओ, डिस्काउंट ऑफर यानी कि अपनी एक्चुअल प्राइस रख लो, जो आपके यानी कि बेसिकली आपने कहा था कि आपने यानी कि वो जो है ना प्रॉफिट वगैरह नहीं डाल दो, डालो स्टार्ट के ऊपर अपनी, और बाद में अपनी प्रॉफिट वगैरह डालने के बाद आप जो है ना उसकी प्राइस जो है ना वो उसमें डिस्काउंट ऑफर चला दो, एक साथ ना दोनों चलाओ, अगर एक साथ चलानी होगी तो आप फिर उसकी प्राइस जो है ना वो टोटल यानी कि जो रियल प्राइस होगी ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 25 की बेचना चाह रहे हैं तो 25 डाल के आप डिस्काउंट ऑफर चला दो, कोई इशू नहीं है। अच्छा उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन है सर, अस्सलाम वालेकुम सर, जब हम डमी लिस्ट क्रिएट करते हैं उससे पहले UPC और SN बाय करना होगा, पहले करने आप सही से कोर्स नहीं देख रहे, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, आपको शायद माइंड गुस्सा हो, लेकिन शायद आप माइंड कर जाएं लेकिन आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, मुझे क्वेश्चन का आंसर देने में कोई भी यानी कि हर्ज नहीं है, ठीक है आप वीडियोस नहीं देख रहे, आपको हर चीज मैंने डिटेल में बताई है, उसमें पहले UPC और SN बाय करना होगा, जबकि SN कौन बाय करता है, मैंने कहा आपको SN बाय करना है, UPC आप बाय करते हो, आप जाहिर सी बात है लिस्ट बनाने से पहले आपके पास UPC होगा तो आप लिस्ट बनाओगे ना, और SN आपको Amazon अपनी तरफ से देता है, इसलिए आप ऐसे जो है ना वो कोर्स आपसे नहीं होना, आप कंप्लीट डिटेल के फोकस के साथ करें, ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन आपका है सर, सपोज हमारे एक प्रोडक्ट 1000 यूनिट हैं, तो क्या हमें 1000 और एसन लेना होंगे? ये आपका सवाल मुझे ही समझ नहीं आया। मैं आंसर दे देता हूँ जो मुझे समझ आया है। 1000 यूनिट है तो बेसिकली आपको उसका, यानी कि 1000 यूनिट एक ही अगर प्रोडक्ट है, एक ही लिस्ट है, तो उसका एक एसन होगा। ठीक है, लिस्टों के एसन डिफरेंट होते हैं। यूपीसी, अगर आप 10 लिस्टें बनाओगे तो 10 यूपीसी आपको परचेज करने पड़ेंगे, और अमेजोन आपको 10 एसन देगा अपनी तरफ से, जो कि ऑटोमेटिकली लिंक के अंदर ऐड होते हैं। ठीक है, तो 1000 यूनिट है तो एक यूपीसी होगा उसका, एक एसन होगा उस लिस्ट का। और उसके बाद नीचे वर्दा हमारे पास, यानी कि यहाँ सवाल आपका आ गया है, सर आई आल्सो डन योर VA कोर्स, आई वॉन्ट टू ज्वाइन यू बिकॉज आई वॉन्ट टू ग्रो प्लीज। कराची में भी जल्दी ऑफिस खोलिएगा सर। देखिए इंशाल्लाह अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा, प्लान तो है, बाकी इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद नवाज भाई आप फेस, अच्छा आप फेस क्या करना है आपने देख के? देखें फेस आप अर्निंग करना शुरू कर दो, फिर मैं दिखा दूंगा मैं कौन हूँ। सिंपल, ठीक है, कम से कम मेरा कुछ बताने का बेनिफिट तो आपको, आप कमाने लग जाओ इंशाल्लाह, मैं मुझे भी देख लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा नीचे सर प्लीज अप्रूवल में रिक्वेस्ट, अच्छा आपकी और आप रिक्वेस्ट राम, मैंने आई थिंक अप्रूव कर दिया है। मुस्तफ़ा शेख इम्प्रेसिव 1000, चले आप कुछ पूछे मुझसे, मैं आपको इम्प्रेसिव 3000 बता आंसर दूंगा, टेंशन ना ले आप। मोहम्मद वसीम इम्तियाज आप कह रहे हो दरवेश, अच्छा दरवेश मैंने बोला कहीं? हाँ चलें जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा नीचे मुस्तफा शेख कह रहे हैं अर्तगुल, शाबाश। अच्छा अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। आलम शेरस थैंक यू सर जी, वेलकम। तारिक कीप इट अप, डोंट गिव अप योर गुड वे ड्यू टू नेगेटिव रिमार्क। देखिए हम उनमें से नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्लास कभी कभी गुस्सा आ जाता है, और जब आएगा तो क्लास इनकी हो जाया करेगी, सिंपल है। बाकी ये कि फ़र्क इनसे नहीं पड़ता हमें, क्योंकि ये लोग ना, इन्होंने कुछ खुद करना होता है ना ये किसी को करने देते हैं। अल्लाह से इन कुरान पाक, एहसान का बदला एहसान ही है। यू आर डूइंग गुड डीड फॉर सेक ऑफ अल्लाह अलमाइटी हैप्पीनेस, नॉट फॉर ह्यूमन बीइंग एंड हैप्पीनेस। बिल्कुल, उसके बाद आपका फिर व्हेन यू आर डूइंग गुड डीड देन डोंट थिंक टू हैव रिवार्ड फ्रॉम ह्यूमन बीइंग प्लीज, थैंक यू, लव यू नवाज भाई, अल्लाह पाक बहुत सी तरक्कियां दे, आमीन आमीन, अल्लाह पाक आप पर भी अपनी रहमत करें, आमीन, आपको भी तरक्कियां दे, आमीन। सर मैंने तो आपके का अच्छा सर मैंने तो आपका कहाँ पे उसे ऑलरेडी एक्सपोज किया है, अच्छा वो ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका, क्या नाम है आपका, मुबीन। अच्छा सर मैंने तो अभी सिर्फ 3 लेक्चर, अच्छा देख आपने 3 लेक्चर ज्वाइन किए, कंप्लीट किए ना, कोई इशू नहीं है, आप उसको ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लेकिन कोशिश करें कि साथ साथ कोर्स अपना कवर करें, ताकि वहाँ से जो टास्क मिले आप उसको भी साथ करो, और आगे अपने कोर्स को भी यानी कि स्टार्ट करते जाओ। ठीक है, माशाल्लाह इंशाल्लाह वन डे वी विल सक्सेस लाइक इनेबलर, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। ठीक है, ओ सर कितना काम आसान कर दिया हमारे लिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, आशा आप फ़ायदा उठाएं। ठीक है, आई थिंक आप भी व्हाट्सएप ग्रुप में आ चुके हो, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ आपने, यानी कि जो भी सवाल है जैसे भी आपने वहाँ पे अपलोड करना है, मतलब कि टास्क टास्क से रिलेटेड, ठीक है, मतलब कि टास्क से रिलेटेड। अत्तर बेग थैंक यू सो मच भाईजान जी, ज़रूर हम हाजिर हैं भाई, चलें बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद थैंक्स सर, अल्लाह साई आपको लंबी ज़िंदगी और बहुत खुशियाँ नसीब करें, आमीन, अल्लाह पाक आप पर भी अपनी रहमत करें, आमीन। ग्रेट सर थैंक यू, उस्ताद मोहतरमा अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, थैंक यू, आप सब पर भी अपनी रहमत करें। वेरी गुड सर थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। उसके बाद विकी मुगल ओके सर, अच्छा नेक्स्ट विकी ओके सर ओके, आमिर खिताब वेरी गुड टास्क, चलें जी बहुत अच्छी बात है। शहरयार असद गुड मैन कीप इट अप। उसके बाद साइमा अंसारी यू आर एक्सीलेंट सर, हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट यू?
अच्छा आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप वीडियो में कांटेक्ट नंबर है मैंने बताया हुआ, आप देख लें वहाँ पे, यहाँ इसी वीडियो में ओपन करें, वहाँ पे आपको राइट कॉर्नर के ऊपर कांटेक्ट नंबर मिलेगा। वसीम हसैन हसनैन, मैं तो आपका फ़ैन हो गया, क्या समझाते हो आप। चलें बहुत शुक्रिया आपका, फ़ैन ही नहीं होना, कुछ करना भी है, कुछ कमाना भी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे रमज़ान का क्वेश्चन है, गुड वर्क, क्वेश्चन नहीं है कमेंट है, गुड वर्क सर, थैंक यू। अच्छा नीचे फिर सर आप बहुत मेहनत कर रहे हो। अच्छा ये आई थिंक ये यहाँ पे तो वेरी गुड हमेशा ग्रेट सर, आई थिंक ये हो नहीं क्या सारा कुछ, नहीं ये नहीं हुआ ये। अल्लाह जजाक अल्लाह सर, नवाज आई नीड योर गाइडेंस, आई हैव कम्प्लीटेड बीए कोर्स। अच्छा आप ग्रुप ज्वाइन करें वहाँ पे, इंशाल्लाह आपसे मेरी बात होती है शायद वहाँ पे ग्रुप में। इन फ्यूचर द लीडिंग फॉर ई कॉमर्स वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान। तो आई थिंक यहाँ तक क्वेश्चन थे, बाकी जिसका भी कोई रह गया होगा परेशान नहीं होना उसको, यानी कि कुछ को देखे मैंने कमेंट भी किया हुआ है तो परेशान नहीं होना, बाकी ये है कि उसका दोबारा पोस्ट कर देना फेसबुक ग्रुप के अंदर, तो उसका आपको इंशाल्लाह आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी काफ़ी लंबी क्लास हो गई है, मैं तो समझ रहा था जल्दी कवर हो जाएगा लेकिन ये 1 घंटे तक पहुंच गया है, तो ठीक है आप अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जो है ना वो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।